दोस्तों आप भी अगर पूर्णागिरी देवी मंदिर जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। लास्ट तक देखिए, हम बताते हैं आप किस तरीके से जा सकते हैं। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको टनकपुर रेलवे स्टेशन, सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन पड़ेगा, वहां से आप बस ले सकते हैं। लगभग बस से दूरी है लगभग 17 किलोमीटर, और फिर बस आपको उतार देगी। तो वहां से आपको लगभग 3 किलोमीटर पहाड़ की चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये पूर्णागिरी देवी मंदिर 108 सिद्ध पीठों में से एक देवी मंदिर टनकपुर से 21 किलोमीटर दूर है और तुन्यास से 17 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से आपको 3 किलोमीटर रास्ता तय करके पूर्णागिरी मंदिर तक जाता है। टनकपुर लखनऊ, दिल्ली, आगरा, देहरादून, कानपुर, अन्य जिलों में से सभी बस सेवा से जुड़ी हुई है। दोस्तों अगर आप रेलवे स्टेशन से बस नहीं लेते हैं तो आप पैदल भी आ सकते हैं। देखिए बहुत सारे श्रद्धालु पैदल भी आ रहे हैं, बट पैदल आना ठीक नहीं है। अगर बस ले लेते हैं तो ठीक ही है, नहीं तो आप अपने वाहन से भी आ सकते हैं। हम लोगों ने ली थी बस, यहाँ से बस से उतर गए हैं। अब यहाँ से हम लोग को 3 किलोमीटर चढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कि पूर्णागिरी मंदिर पर पहुँचने के लिए हमको 3 किलोमीटर चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो हम लोग बातें करते हुए चल रहे थे और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, तो अच्छा लग रहा था। मौसम एकदम बढ़िया हो रखा था, तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे आने के बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग चल रहे हैं कि या थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि शाम भी होने लगी थी और टाइम धीरे धीरे ढल रहा था। तो फिर यहाँ पे आराम करने के लिए हर जगह पे छोटे छोटे विश्रामालय बने हुए हैं, वहाँ पे जाके आप आराम कर सकते हैं। साइड में देखेंगे जो दुकानें रहती हैं, इन पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जो वीडियो बनाने के इक्विपमेंट रहते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो आप खरीद सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। और आपको बता दें, यहाँ पे आप खुद का पानी ज़रूर लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है पानी मिल जाए। क्योंकि आप अगर जब पैदल चढ़ाई करते हैं यहाँ से, आप वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ से जीप भी ले सकते हैं, गाड़ी भी ले सकते हैं, बट हम लोगों ने सोचा कि हम लोग गाड़ी क्यों लेंगे, पैदल ही चलेंगे। आए हम लोग कभी गाड़ी नहीं लेते, पिछली बार आए थे तब भी हम लोगों ने गाड़ी नहीं ली थी, तो हम लोग पैदल ही चलते हैं। और अच्छा लगता है पैदल चलने में, थोड़ा अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है। हम लोग को यहाँ पे दिख गया था एक ब्रिज, तो हम लोग का मन हो रहा था कि हाँ ठीक है चलो फ़ोटो खींच लेते हैं, ब्रिज अच्छा था। तो हम लोग फट से गए और हम लोगों ने वहाँ पे ये दिखा हम लोग को ब्रिज, यहाँ पे हम लोगों ने फटाफट फ़ोटो शूट किया, फिर निकले यहाँ से, फिर चढ़ाई करने लगे। ये देखिए व्यू, कुछ पहाड़ दिख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बस अंधेरा भी हो रहा था। दोस्तों पूर्णागिरी देवी मंदिर 108 सिद्ध पीठों में से एक देवी मंदिर है, आप जानते हैं। और ये अगर आप प्लेन से आ रहे हैं तो पंतनगर सबसे नज़दीक हवाई अड्डा पड़ेगा, जो कि 117 किलोमीटर दूर है पूर्णागिरी देवी मंदिर से, आप आ सकते हैं। हम लोग पहुंच चुके थे। और दोस्तों यहाँ पे पहुंचने के लिए आप गाड़ी से भी आ सकते हैं, जैसे ये गाड़ियाँ जा रही हैं पीछे, बट अगर आप पैदल आएंगे तो एक अलग ही फील होगा और अच्छा लगेगा। हम लोग दोनों लोग को मज़ा आ रहा था, रात भी हो रही थी, मस्त चल रहे थे और बातें करते हुए चल रहे थे। और ऐसे ही साइड में बहुत सारे लोग रहते हैं जो चीज़ें बेचते हुए मिलेंगे, आप चाहें तो वो चीज़ें खरीद सकते हैं। बट मैं बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो अपना खाना खुद ही लेके आइए, खाना खाने पीने की चीज़ें जो भी रहती हैं लेके आइए, और पानी तो पक्का ही लेके आइए, क्योंकि ऊपर में जो पानी पीने के लिए वो लोग लगाए हुए हैं टंकी, वो टंकी खाली करके रखते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि तुम उनका पानी खरीदो और टंकी वो खाली करके रखते हैं। तो हम लोग सोचे थे, हम लोग तो पहले ही ये सब जानते थे, बट हम लोग पानी लेके गए थे तो ऐसा कोई इशू नहीं हुआ, बट आप लोग के लिए बता दे रहे हैं। अब रात हो चुकी थी हम लोग को चलते चलते, बट अच्छा लग रहा था, आप व्यू देख सकते हैं। और ऐसी लाइट पूरे रास्ते में लगी हुई हैं, बस हम लोग को और चलना है, आधे से ज़्यादा शायद कवर हो गया है। हम लोग थोड़ा वेट भी कर लेते थे, रुक भी जाते थे हर जगह तो नहीं, मतलब जहाँ पे लगता था कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, रुक जाते थे, बट अच्छा लग रहा था। अभी ये देखिए व्यू,
पहाड़ों पे जाने पे अच्छा तो लगता है, फिर चलते चलते हम लोग पहुँच गए। फिर देखिए दुकानें कितनी अच्छी लग रही थी, बट मन कर रहा था ख़रीद लें, बट ज़रूरत की सामान जो होता है वो खरीदिए वरना आप जाइए। चलते चलते हम लोग पहुँचे और वहाँ पे एक ढूँढा हम लोगों ने ठहरने के लिए जगह, तो वहाँ पे रुके और रुकने के बाद हम लोगों ने अच्छा लग रहा था बहुत। धीरे 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 चलते चलते हम लोग फाइनली कुछ टाइम बाद पहुंच गए। पहुंचने के बाद फिर हम लोगों ने वहां पे तीन चार चार घंटे रुके हम लोग, वहां पे आराम किया। फिर हम लोग वहां पे फटाफट नहाए धोए और फिर वहां पे नहाने धोने के बाद उठ के कपड़े वपड़े चेंज किए, फिर एक सेल्फी ली, फिर फट से निकल गए वहां पे। वहाँ पे और जूते जहाँ पे हम रुक रहे हैं वहीं पे जूते चप्पल वहीं पे रखे जाते हैं, वहाँ से फिर आपको बगैर चप्पल जूते के यात्रा करनी पड़ती है, जैसे हम लोग कर रहे हैं अभी। अब हम लोग को 1.5 किलोमीटर और चलना है, ऊपर चढ़ाई करनी है जो कि बगैर जूते चप्पल के, और आपको प्रसाद वहीं से लेना है जहाँ आप ठहर रहे हैं, या आप अगर होटल में ठहर रहे हैं तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, और अगर आप ऐसे ही नॉर्मल ठहर रहे हैं तो आप ऐसे ही ठहर सकते हैं, कोई फ्री चार्ज कोई चार्ज नहीं है, फ्री ठहर सकते हैं। हम लोग चलते चलते देख रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हम अच्छी लग रही थी हम लोग को, और जब हम लोग पहाड़ के ऊपर गए तो बहुत ही अच्छा व्यू आया और मस्त लग रहा था। और ये अभी हम लोग निकल रहे हैं रात के 3 बजे, तो रात के 3 बजे चढ़ाई करने में ही अच्छा लगता है क्योंकि, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वहाँ पे रात को 3 बजे चलने का एक और रीज़न था कि कम लोग जाते हैं उस टाइम, वरना फिर दिन के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो हम लोग जल्दी जल्दी रात को 3 बजे ही निकल दिए थे चढ़ाई करने के लिए। लोग को पहाड़ पे चढ़ना है तो फिर धीरे धीरे चल रहे थे। चलते चलते साइड में जो दुकानें हैं उनसे भी देख रहे थे, और बट एक और बात बता दें, अब हम लोग बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं देवी माँ के मंदिर पे। अब ये देखिए बिल्कुल मॉर्निंग का व्यू होने वाला है। अभी ये देखिए सूरज निकल रहे थे पहाड़ से, एकदम मस्त लग रहा था, बहुत अच्छी वाइब आ रही थी, एकदम एनर्जी फुल फील कर रहे थे हम लोग सब लोग। और ये देखिए इतनी भीड़ रहती है, मतलब ये कम भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, ये मॉर्निंग की है तो कम है, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अब ये देखिए सूरज कितने अच्छे लग रहे हैं। हम लोग फाइनली पहुंच के हम लोगों ने दर्शन कर लिए, फिर हम लोग वहां से थोड़ा सा आगे आ चुके थे क्योंकि वहां पे ज़्यादा टाइम तक रुकने नहीं देते और वीडियो भी बनाने नहीं देते, तो इसलिए हम लोग आगे आ गए थे दर्शन करके। अब यहां से बिल्कुल हम चोटी पर हैं, पहाड़ की चोटी पर देवी माँ के मंदिर के बिल्कुल पास में। यहाँ से देखिए व्यू आप देख सकते हैं, काफ़ी हद तक अच्छा दिख रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा था, काफ़ी लोग जयकारे लगा रहे थे, मस्त लग रहा था हम लोग को करते। और यहाँ पे आप ये जाने का रास्ता है, नीचे वापस उतरने का रास्ता अभी आगे आपको दिखाएंगे, एक ऊपर चढ़ने का रास्ता दूसरा है, उतरने का रास्ता दूसरा है। राइट साइड में श्रद्धालु लोगों की भीड़ दिखाएंगे आपको। यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, ये लोग लाल धागा बांधते हैं, अगर आपको बंधवाना है तो बंधवा सकते हैं, बहुत सारे लोग बंधवाते हैं, बट हमको चलना है नीचे, तो फिर हम चलते हैं धीरे धीरे नीचे नीचे की साइड। यहाँ पे मंदिर है, चलते रहो। ये भाई साहब टीका लगा रहे हैं, अगर आपको लगवाना है लगवा सकते हैं, धागा भी बांध रहे हैं, अगर बंधवाना है तो बंधवा सकते हैं। और ये रहा व्यू, आप देख सकते हैं मॉर्निंग का व्यू इतना अच्छा आता है बहुत। अभी ये देखिए ये लोग जाने वाले हैं जो दर्शन कर रहे हैं, वो देखिए भीड़ इतनी भीड़ रहती है, और हम लोग निकल रहे हैं उतर रहे हैं नीचे, हमारा रास्ता अब दूसरा है, तो ऐसी रहती है भीड़। आप आ रहे हैं, आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप आ रहे हैं तो फिर ऐसे आइए कि मॉर्निंग में
3 बजे या 2 बजे आपको चढ़ाई करनी पड़े ऊपर के लिए, मतलब पहाड़ पे चढ़ना हो तो 2 या 3 के बीच में ही चढ़िए। अगर इससे आगे जाएंगे, टाइम ज़्यादा लगाएंगे, 4 या 5 बजे चढ़ेंगे, तब फिर आपको दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी फिर। अभी तब भी ये कम है भीड़, तो इसलिए तो फिर हम लोग चल रहे थे, हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे और हम लोग फिर निकल रहे थे, और जयकारे पीछे लग रहे थे बहुत ज़्यादा हम लोग को। और यहाँ पे ज़्यादा वीडियो बनाना भी अलाउड नहीं है, बट फिर भी हम बना रहे थे, बट कोई नहीं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो चलते चलते सारे लोग धीरे धीरे चल रहे थे बिकॉज सीढ़ियों में, और एक तो फिर हम लोग आ गए थे थोड़ा सा नीचे की साइड। अब देखिए हम बिल्कुल नीचे उतर आए हैं हम लोग। अब यहाँ से व्यू देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे एक झोपड़ी है जो ऊपर से बिल्कुल छोटी दिखाई दे रही थी, अब भी छोटी दिखाई दे रही है, जबकि हम लोग पहाड़ पूरा उतर आए हैं, नीचे आ गए हैं, फिर भी